हाय गाइस, एक नया वीडियो बहुत सालों बाद आ रहा है। मन किया तो बना दिया, तो एंजॉय कीजिए। और की वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये इस व्लॉग की एंडिंग है। तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ। गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आज बहुत दिनों बाद क्या सालों बाद एक व्लॉग बनाने का मन किया, तो सोचा आज शुरू करते हैं। क्योंकि आज हम उठ चुके हैं 5 बजे सुबह में, और जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मन तो आपको भी करने का दिखा रहा है, जैसे आप ये देखिए। यहाँ होती रहती है बारिश, और बारिश के बाद सुबह 5 बजे उठो और कुछ ऐसा नज़ारा दिखे जहाँ तक अभी सनराइज भी नहीं हुआ है, तो आता है मज़ा। और अगर साथ में ऐसे प्राणी हो तो और मज़ा आता है। जिसको पता नहीं क्या सूंघना है, सूंघते सूंघते हमको यहाँ तक ले आया है। आज के मॉर्निंग वॉक का कोई जवाब नहीं, इतना अच्छी मॉर्निंग वॉक तो मैंने कभी स्कूटी के साथ की ही नहीं है। क्योंकि एक तो विंड अच्छी चल रही है, प्लस मौसम अभी सनराइज हुआ नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है। क्योंकि वैसे वेदर यहाँ पे इतना बारिश, ऐसी वेदर मैंने यहाँ पे बहुत कम देखी है। क्योंकि इस टाइम तक यहाँ धूप निकल जाती है, लेकिन क्योंकि अभी सीज़न बारिश का हो गया तो धूप थोड़ा लेट निकलती है, 7-7:30 बजे तक निकलती है यहाँ पे धूप। लेकिन आज का वेदर अच्छा है, क्योंकि विंड भी ठीक ठाक चल रही है, थोड़ा ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा है घूमने में। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा मेरा गाँव। कुछ ऐसा दिखता है मेरा गांव जब हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं। इस तरफ ये थोड़ा मतलब ऊंचा है, तो इधर भी गांव है, लेकिन इस गांव का नाम दूसरा है। और इधर भी थोड़े गांव हैं, लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक लोकेशन है, यहाँ से थोड़ा 500 मीटर और इस रास्ते से अंदर जाएंगे तब आता है। और जिस चीज़ की मैं तारीफ करते हुए नहीं थक पा रहा हूँ, वो है आज का वेदर। और गांव की तो एक खासियत होती है कि यहाँ होते हैं घास फूस, पेड़ पौधे, और सबसे बड़ी चीज़ खेत। सो गाइस, मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ और ये एकदम रॉ वीडियो होगी, तो जितना लाइक कर सके उतना लाइक करें, मुझसे होप भी ना करें कि मैं कुछ ज़्यादा कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे ही मैं व्लॉग बहुत कम बनाता हूँ, सालों बाद बना रहा हूँ, सो गलतियाँ हो सकती हैं। ये स्कूबी के दुश्मन आ गए, और स्कूबी दोस्ती करने के लिए तैयार। स्कूबी चलो आ जाओ, छोड़ दो, जाने दो, आ जाओ, चलो। स्कूबी को किसी तरह से वहाँ से हटाया गया है। चलो आ जाओ, चलो इधर चलेंगे, चलो। हाँ आ जाओ, दोस्ती करोगे? आओ, फोन कर दो, तुम भी फोन कर दो। स्कूबी का हमेशा ऐसा ही रिएक्शन रहता है, भाई तुम लोग भौंक लो जितना भौंक सकते हो, उसके बाद हम रिएक्शन देंगे अपना। स्कूबी मतलब ही नहीं, ऐसा लगता है तुम भौंकते रहो, ऐसा बोलता रहता है उन लोगों को।
और गाय और भैंस तो यहाँ रोज चर चर करती रहती हैं। बस भाई रहने दो, अब कितना भौंकोगे। तो अभी सूरज ज्यादा निकल चुके हैं और हमारा स्कूबी भी थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट के मॉर्निंग वॉक ले चुका है और अब घर वापसी की तैयारी चल रही है। इसी रास्ते में अंदर जाना है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा घर में जाके खूबी बर्तन दुर्गा। तो खाने में क्या बन रहा है? मैं बनाओ नाश्ते में डोंका पकौड़ा पकौड़ा। हाँ चलो चल भाई, कहाँ चलेगा सब सुनाओ। ऐसा कुछ छत का टॉप दिखाई देता है। अब चलिए छत पे चलते हैं। सूरज बाबा की तो बात ही निराली होती है। हमने आपको बोला था कि अच्छा 6 बजे धूप निकल गई यहाँ पे अच्छी खासी। अब मजा आ रहा है और ये स्कूबी अपना अकेले मजा लेते हुए, इसको पूरे गांव में से एक ही चीज मजा आती है, चलते रहे उसके अलावा। रास्ता देख रहे हैं ये वाला, यही कुछ आगे जाके वहाँ इस खेत के आगे ऊपर की तरफ हम लोग का पुराना घर है। तो ये जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये कुछ अराउंड 1957-1958 के अराउंड बना था ये घर। उससे पहले हम लोग वहाँ रहते थे क्योंकि उस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये नदी कुछ नदी नहीं है, इसको हम लोग हमारे यहाँ पे भोजपुरी में भागड़ कहते हैं। वैसे ये आप स्मॉल कैनाल की तरह इसको मान सकते हैं। ये पूरा ऑल द वे आगे तक जाता है और पीछे एकदम पीछे से एक्सटेंड होते हुए आता है। तो पुराने टाइम में जब 1983-84 तक जो थी, मतलब ये जब बारिश होती थी बारिश के सीजन में पूरा बढ़ जाता था क्योंकि गंगा नदी और
एक और कोई नदी है जो दो नदी का पानी यहाँ पे आ जाता था, और ये पूरा यहाँ तक भर जाता था, और ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं यहाँ तक बाढ़ आ जाती थी। तो पहले हम वहाँ रहते थे क्योंकि इतने जॉइंट फैमिली हुआ करती थी उस समय, तो बहुत बड़ी फैमिली हो गई, तो फिर हम डिवाइड करके यहाँ पे आ गई, हमारा स्कूल भी है। और ये स्मॉल गार्डन आप बोल सकते हैं इसको, गार्डन टाइप, मतलब हम लोग तो द्वार बोलते हैं इसको स्पेसिफिकली। पहले हमारे पास गाय हुआ करती थी कम से कम 10-15 साल पहले तक, तो वो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे हम गाय को अंदर रखते थे जब बारिश वारिश होती थी। ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम गाय यहाँ बांधते थे, जैसे शाम वगैरह में बाहर निकाल के यहाँ बांध दे, खाना यहाँ इसमें खाना देते थे, इसमें पानी होता था, वो ऐसे ही खाली पड़ा रहता था। तो कम से कम 2-3 हमारे पास गाय होते। और ये जो पूरा एरिया जहाँ आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये मतलब हमारा बगीचा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ फ्रूट्स वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको जाने से पहले ज़रूर दिखाऊंगा। और ये मेरी दादी, और यहाँ का ये एक कुत्ता जो बहुत बदमाश है। कहाँ होता माँ, कहाँ सोचा तारू? कौन है स्कूबी, कौन है? आओ दिखाओ कौन है। हाँ कौन है, कौन है, कौन है? अब देखिए इसका नाटक, ये यही करता है। हाँ कैमरा चला गया ना मुंह पे, अब छोड़ देगा। ये देखिए, तो हाँ आज वैसे मैं बहुत दिनों से यहाँ गांव पे आके व्लॉग करने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्लॉग कर लूँ, क्योंकि हम थोड़ा शाई काइंड ऑफ पर्सन, तो नहीं हो रही थी। तो आज सोचा थोड़ा बहुत व्लॉग करते हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन है व्लॉगिंग करने का। और अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि आज ही हमको यहाँ से निकलना भी है, तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरे पापा के घर से, मेरी मम्मी के घर जाएंगे। आज रात का स्टे मेरी मम्मी के घर पे करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे हम अपने मामा के यहाँ, एक नाइट का हॉल्ट वहाँ पे है, फिर वहाँ से जाएंगे खड़गपुर जहाँ हम रहते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होती है। इतना तो तय, कम से कम 4 से 5 व्लॉग आपको मिल ही जाएंगे, अब वो अलग बात है आप उसको लाइक करते हैं नहीं करते। मेरा काम तो व्लॉग बनाना है, क्योंकि मैं इंस्पायर हुआ हूँ किसी को देख के, किसी का व्लॉग देख के, सो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे, हंसने दो। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना बगीचा, और आप कह सकते हैं बड़ा गार्डन, ह्यूज गार्डन। थोड़ा रफ कंडीशन में, क्योंकि कम से कम 2-3 साल से मेंटेनेंस नहीं हुई है इसकी, कोई मेंटेन इतना करने वाला नहीं है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये गांव में इसको चक्की कहते हैं, लाइक ग्रेन्स वगैरह को ग्राइंड करने के लिए, जिससे आप डव बनाते हैं मेनली, वो काम यहाँ होता था, बंद है अब नहीं होता। बारिश के मौसम में या ठंडी के टाइम में या गर्मी के टाइम में ऐसा बगीचा हो, आओ चारपाई बेड गद्दे वद्दे जो भी लगाना है लगाओ, और फिर एकदम
मज़े में यहाँ बैठ जाओ, इसके अलावा और कोई मज़ा नहीं है गांव आने का। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया, मैं आया ही कुछ 10-15 दिन के लिए था, लेकिन मज़ा आया क्योंकि मैं 10 साल बाद विजिट कर रहा हूँ।